इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनी माजरा के फाटक के पास, जहाँ पर अवैध 250 से 300 झुग्गियों को एसडीएम की टीम द्वारा आज तोड़ा गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरीके से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर कार्रवाई जो है की गई है। बता दें कि 2 से 2.5 एकड़ में यह झुग्गियाँ बनी हुई थी और यहाँ पर कबाड़ का काम किया जा रहा था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आइए सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहा एसडीएम ईस्ट ने। ये एग्रीकल्चर लैंड है, पेरिफेरी के अंडर आती है और इसमें अकॉर्डिंग टू जो एक्ट कि कोई भी प्राइवेट लैंड पे इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो इसके संदर्भ में हमारे पास तहसीलदार पेरिफेरी से रिपोर्ट आई थी कि इस तरीके की झुग्गियाँ जो 200 के करीब झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन के आसपास बनी हुई हैं। ये देखिए काम जो देखने में पता लगा ये कबाड़ का काम करते थे, और जो आगे चीज़ें पता लगी हैं वो ये लगी हैं कि कॉन्ट्रैक्टर इनका था एक कबाड़ का, जिन्होंने आगे ये झुग्गियों वाले बिठाए हुए थे किराए पे देकर। तकरीबन देखिए जी ये वहाँ से उधर वाली जगह से स्टार्ट करके रेलवे स्टेशन के जहाँ, तो इधर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कितने एकड़ की होगी, लेकिन 250-300 झुग्गियों के बीच में ये थी जो आज कार्रवाई की गई। इन पे जी ऐसा है, ये कंप्लेंट के बेसिस पे कार्रवाई की गई है, पर जिस के ने भी इलीगल कोई एक्टिविटी की हुई है एग्रीकल्चर लैंड पे उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए मैंने अभी ये 31 तारीख को एसडीएम ईस्ट ज्वाइन किया है, तो ये पहली डेमोलिशन ड्राइव थी जो आज मेजर हमने की है। आने वाले समय में ये सारी डेमोलिशन ड्राइव जो हैं निरंतर जारी रहेंगी, और जिन्होंने अभी इलीगल एक्टिविटीज़ की हुई हैं सब पे कार्रवाई होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा एसडीएम ईस्ट ने। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।